वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है, जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के, तुमने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए, तुमने राशन बांटा है तो पिताजी माननीय अध्यक्ष जी साइकिल पंचर हो गई है, तो अब पंचर का ठीक कराने की जो आपकी साइकिल है उसका शायद उत्तर प्रदेश जनता ठीक करेगी नहीं, इसलिए मैं लोकभवन में कब बैठूंगा, लोकभवन में हम लोग ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, ये भूल गए इनके जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई, आपने बनाई, बताइए फोर लेन किसने बनाई बताइए। माननीय अध्यक्ष जी मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं, 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य समय नहीं है, लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है, जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के, तुमने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए, तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है, कोई बात है क्या कि ये सरकार तो खराब वाली सरकार है, खराब काम करती है। देखो वो जनता वाली बात मत करो, इसलिए मत करो। एक मिनट, वो मैं कहने जा रहा हूं, मैं कहने अध्यक्ष महोदय, जनता ने तो इनकी गर्मी निकाल दी थी जो बैठे हैं सामने, गर्म शब्द नहीं है, गर्म शब्द क्यों मानते हो इसको, अरे अब तक खुश रहिए और देखिए क्या हुआ, फिर गर्मी निकली, फिर डिप्टी सीएम बन गए। अब आप बताइए किसकी गर्मी निकली अगर आप डिप्टी सीएम बन गए तो, ठीक है बात नहीं, ये हार गए तो आप हारे कि नहीं हारे, हम तो स्वीकार करते जो जनता ने दावा करने वाले सब सतर्क पे रह गए, और आपका दावा नहीं कर रहा था, आप कर रहे थे, ठीक है हम सतर्क पे रह गए, लेकिन आप पलट करके देखिए क्या बैलेट में हम लोग कितना जीते थे, और दुनिया में कितने देशों में ईवीएम से वोट पड़ता है ये भी बता दो माननीय सदस्य, आप बताइए दुनिया में, माननीय अध्यक्ष जी अगर उत्तर जानना चाहते हैं, बैलेट से पेपर जब 2012 का चुनाव हुआ था तो ईवीएम से हुआ था, तब अच्छे हो गए, मतलब असत्य बोल करके जनता के बीच में ऐसी बातें रख करके 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे सब नकार दिया, अध्यक्ष महोदय बोले मैं अभी बोलूंगा आपकी, अब तो लगता है थोड़ी गर्मी निकली, अभी गर्मी और निकलनी बाकी है इनकी, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस में बलिया को जोड़ना था, बलिया कब जुड़ेगा, अध्यक्ष महोदय